इस बार तो मेरा ही अधिकार होना चाहिए। इंद्र, देवराज कहां गए? देवराज अभी तो यहीं थे। समुद्र से निकला ये रत्न किसे मिलेगा इसका निर्णय हुए बिना देवराज इंद्र कहां लुप्त हो गए? जब अतीत की भूल अचानक आकर सामने खड़ी हो जाए और उससे दृष्टि मिलाने के अतिरिक्त और कोई उपाय ना, तब उसका सामना करना कठिन हो जाता है। ये वही हाथी जिसने देवराज इंद्र के साथ मिलकर महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था। देवराज इंद्र को इसकी क्या आवश्यकता? तूने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। ऐरावत? हाँ गरुड़, यह ऐरावत ही है। कहते हैं ये काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ पर नियंत्रण का प्रतीक है। सारा भोजन एक साथ खिलाएगी क्या? पहले चखू तो सही, कैसा भोजन बनाया तूने? ईर्ष्या की भावना से मनुष्य कभी अच्छा परिणाम नहीं पा सकता और दीनता के लिए कद्रु की यह भावना उसे कभी अपने मंशा में सफल नहीं होने देगी। मेरे बनाए भोजन में बाबा इतने दोष निकालते थे और कद्रु दीदी के बनाए भोजन में एक भी दोष नहीं निकाला। क्या सच में भोजन इतना स्वादिष्ट बना है? जब मेरी ये दशा है तो बाबा की क्या होगी? मैं अपनी बहन से कुछ नहीं सीखा तूने। जब से यहां आया हूं आज पहली बार भूख मिटी है मेरी। आज जैसा भोजन बना है उससे खाने का आनंद दुगना हो गया। प्रतिदिन ऐसा ही भोजन बनाना। प्रतिदिन? अवश्य बाबा, मैं प्रतिदिन अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। ऐरावत इस जगत के हाथियों में सबसे श्रेष्ठ हाथी है और सबसे अधिक स्वामी भक्त भी है, पर क्या मुनिवर? पर अहंकार के वश में आकर इसने स्वामी दुर्वासा का अपमान किया था, जिसके कारण न केवल इंद्र अपितु पूरी सृष्टि को श्रीहीन होने के लिए विवश होना पड़ा था। इसका अर्थ है यह हाथी अशुभ है। असुरों के लिए शुभ हमारा फल होता है राहु।
केवल कायरता होती है हमारे लिए अशुभ। नहीं बनी, राहुल सही कह रहा है। यदि इस हाथी में कोई समस्या नहीं तो इंद्र इसे छोड़कर क्यों भाग गया? अवश्य ये साक्षात दुर्भाग्य का रूप है ये हत्ती। वाह, सौभाग्य दुर्भाग्य जैसी बातें मैं नहीं मानता। मैं मानती हूं बनी, जब दांव पर अमृत लगा हो तो एक हत्ती के लिए दुर्भाग्य को न्यौता देना मूर्खता होती है। और मैं तुझे ये मूर्खता नहीं करने दूंगी। ऐरावत पर देवताओं का यत्कार होगा। ये ऐरावत कहां चला गया? सेवक इतने तीव्र गति से दौड़कर केवल अपने स्वामी के पास ही जा सकता है। इन सब का कोई अर्थ नहीं, अब जो होना था वो हो चुका। बाबा तो प्रसन्न है, फिर मुझे क्यों बुरा लग रहा है? जो भोजन जीवा के लिए स्वादिष्ट होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये जानते हुए भी मैं कद्रू दीदी को रोक क्यों नहीं पाई? क्या करूं मैं? सच में मैं अभागी नहीं हूं, तभी तो ऐसे दासी बनी हुई हूं। अवश्य ही मुझमें ही कोई ना कोई कमी है, तभी तो सभी से तिरस्कार ही मिलता है मुझे। और अब मेरे कारण मेरे पुत्र को जीवन भर ये तिरस्कार सहना होगा। हे नारायण, अब नहीं सहा जा रहा मुझसे, नहीं सहा जा रहा। आज पहली बार तूने स्वीकार किया है कि तू इस दयनीय स्थिति को और अधिक सहन नहीं कर सकती है। कठिनाई को जुटलाने से परिस्थिति नहीं बदलती है, समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने से ही समस्या का समाधान निकलता है। अब देखना पुत्री, तू कैसे इस दासत्व से स्वयं भी मुक्त होगी और अपने पुत्र को भी मुक्त कराएगी। हर अत्याचारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कद्रू को भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये क्या कर रहा है रावत? क्षमा मांग रहा है। अहंकार में आकर इसने महर्षि दुर्वासा की दी हुई माला फेंक दी थी, अपनी इसी भूल पर पश्चाताप व्यक्त कर रहा है। परंतु भैया, ऐरावत में अहंकार तो स्वयं देवराज के कारण ही था ना? वो कहते हैं ना, यथा स्वामी तथा सेवक। स्वामी का ही स्वभाव सेवक में प्रतिबिंबित होता है। सत्य कहा गर्व, और अब ये बात देवराज इंद्र भी समझ चुके हैं।
स्वामी और सेवक के बीच ऐसा संबंध मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। महारानी तो मेरी मां के साथ। ऐरावत ने पूरे मन से अपने स्वामी की सेवा की तो इंद्र ने भी उन्हें सम्मान दिया। दोनों पक्षों के मर्यादित आचरण के बिना संबंध का ऐसा सूत्र स्थापित हो पाना संभव ही नहीं है। पर देवी विंता अपनी स्वामिनी देवी कद्रू के लिए कोई साधारण दासी नहीं है गर्व। वो उनकी बहन है जिन्हें उन्होंने छल से अपनी दासी बनाया। ऐसा व्यवहार अनुचित है और इसी कारण भले ही देवी विंता कितना भी प्रयास क्यों ना कर, उनका अपनी बहन और स्वामिनी के साथ संबंध कभी सामान्य नहीं हो सकता। ऐरावत का अपने स्वामी के साथ संबंध सच में अद्भुत है। बस एक ही इच्छा है मेरी, किसी तरह मैं भी अपने प्रभु का ऐसा ही सेवक बन पाऊं। बबूल के कांटे, नीम की छाल, बरगद की जड़ और कटहल के बीज, इन सब को मिलाकर लेप तैयार करना होगा। सारी की सारी सामग्री कटीली है, इनका लेप बनाया तो मुझे स्वयं ही लेप की आवश्यकता पड़ जाएगी। तुझे संभव हो पाएगा ना, नहीं तो विंता कर लेगी, शुरू से वही तो कर रही है। पर कोई लाभ नहीं बना बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं अपने हाथों से लेप बनाऊंगी आपके लिए, फिर देखिएगा आपके घाव शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। औषधि से अधिक प्रभाव डालती है सेवा, और तेरा सेवा भाव तो सबसे अलग है। विंता तो केवल एक दासी की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है, किंतु तू? मैं मन से करती हूँ बाबा, अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता है कि इतने सेवक सेविकाओं के होते हुए भी मैं स्वयं आपकी सेवा करूं? सही कह रही है तू। मैं तैयारी करती हूँ। क्या? आज तक न जाने कितनी बार भला बुरा सुना है, पर मेरे मन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कभी मेरा मन दुखी नहीं हुआ। पर जब बाबा के मुंह से ये सब सुनती हूँ तो न जाने इतनी टीस क्यों उठती है मेरे हृदय में। क्यों ऐसा लगता है जैसे बाबा नहीं मेरे भगवान ही मुझसे रूठ गए हैं। ये धैर्य खोने का समय नहीं है पुत्री, विश्वास रख, मैं शीघ्र ही कद्रु को उसके कर्मों का दंड दूंगा और तेरी पीड़ा का अंत करूंगा। मैं तुझे मुक्त कराऊंगा।
महारानी मुझे तैयार करने दीजिए इस लेप को। मुझे कोई श्रेय नहीं चाहिए, मैं बस इस लेप को तैयार कर दूंगी, फिर आप ही ले जाइएगा और आप ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तेरी यही इच्छा है तो तू ही बना ले। कर ले विनता ये सब तुझ से कहा है, किंतु इसका लाभ मैं उठाऊंगी, उस बाबा का आशीर्वाद मैं ही लूंगी। मां विनता माता से कार्य करवाकर स्वयं श्रेय लेना चाह रहे हैं, इन्हें लग रहा है गुरु दत्तात्रेय को पता नहीं चलेगा। पर उन्हें तो सब पता होता है ना, तब तो कहीं मां को आशीर्वाद के स्थान पर श्राप मिल गया तो। दीजिए महारानी, अब विश्वास हो जाएगा बाबा को, ये लेप मैंने बनाया है। बहुत सहज अभिनय करती है और साक्ष भी अपने वस्त्रों पर लगा कर लाई है ताकि मैं इसके छल को पकड़ न पाऊं। ले आई लेप, चल लगा। जिस गांव की गंध से मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, मैं ऐसे गांव पर लेप कैसे लगाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। दीदी ने लेप ऐसे लगाया तो बाबा क्रोधित होकर लेप ही फेंक देंगे, और यदि ऐसा हो गया तो उनकी औषधि व्यर्थ हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इधर उधर क्या देख रही है? चल लगा। लगा जी बाबा। आप लेप लगाने से आपको जलन होगी, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कितना उचित विचार है, कितनी बुद्धिमान है तू। लगा। आनंद आ रहा है। सचमुच तेरे हाथों में चमत्कार है। यदि तूने पहले दिन से ये लेप लगाया होता तो अब तक इसका प्रभाव भी दिखाई दे रहा होता। ये सुगंध कैसे, अब क्या प्रकट होने वाला है?
प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। प्रभु, मंथन से ये क्या निकला है जिसका तेज हम में से कोई सह तक नहीं पा रहा? कौस्तुभ मणि है ये। अंतहीन अपराजित शुद्ध प्रकाश की अभिव्यक्ति के रूप में परम चेतना का प्रतीक है ये, इसलिए इसकी शक्ति को सह पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो फिर प्रभु हम क्या करें इसका? कौन धारण कर पाएगा? हम सब इस विशाल समुद्र को मत के इसमें भीषण असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं। कितनी असुविधा पहुंचा रहे हैं हम इसे। मेरा सुझाव ये है कि हम इस मणि को समुद्र देव को उपहार में दे दे। अब तक ये मणि समुद्र के तल में विराजमान, किंतु अब समुद्र देव इसे पूरे अधिकार से ग्रहण कर पाएगा। उचित सुझाव है, उचित सुझाव है। हे समुद्र देव, मैं नारद प्रभु विष्णु सभी देवताओं और दानवों के प्रतिनिधि के रूप में आपसे आह्वान करता हूं, कृपया आप दर्शन दें। प्रकट हो समुद्र देव। हे समुद्र देव, कृपया इस मणि को ग्रहण करें और हम सबको कृतार्थ करें। प्रभु विष्णु और आप सभी ने मेरा स्मरण किया, मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बाबा। आनंद आ गया। मुझे विश्वास है तेरे लेप से मैं शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो मेरी आत्मा तुझे ऐसा आशीर्वाद देगी कि तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। हम बाबा के साथ कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि लेप कद्रू दीदी ने नहीं मैंने लगाया है। ये कैसे संभव है धूमल? गुरु दत्तात्रेय को सत्य पता नहीं लगा, या फिर वो भी कहीं माँ की चाल के उत्तर में कोई खेल खेल रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो माँ बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाली है। तक तू आनंद आ गया। समय आने पर तुम्हें अपने कर्मों का फल दूंगा कद्रू, बस देखना ये है कि मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तुम कितनी सीमाएं लांग सकती हो।
प्रतीक्षा करवाएंगे माँ, अब तो आ जाइए। कल्पवृक्ष, वाह गुरु, वृक्षराज को पहचान लिया तुमने। श्रेय मेरा नहीं है भैया, श्रेय माँ का है। माँ ने मुझे सात लोगों के बारे में बताते समय इनके बारे में भी बताया था। परंतु सत्य तो ये है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर है ये। क्या बताया था तुम्हारी माँ ने? प्रभु यही कि मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, यदि इनसे मांगते हैं तो वो इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। सत्य ही कहा था उन्होंने, पर कल वृक्ष की महिमा केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं है गर्व, इसका महत्व तो इससे भी कहीं अधिक है। इस वृक्ष को तुम सबको देना संभव नहीं है वज्रांग। इस वृक्ष की हम देवताओं ने वर्षों तक सेवा की है, इस पर केवल हमारा अधिकार है। असंभव। स्वर्ग पर केवल हम असुरों का राज है अग्नि, और इस नाते स्वर्ग की प्रत्येक वस्तु पर केवल और केवल हमारा अधिकार है, इस कल्पवृक्ष पर भी। दुखद तो ये है कि जो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं वो ये जानते तक नहीं। बस वज्रांग, रुक जाइए आप लोग। जो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं उनके लिए झगड़ने से पहले आप दोनों पक्ष कल्पवृक्ष से तो पूछ लीजिए कि वो कहां रहना चाहते हैं। पुत्रों, मुनिवर सही कह रहे हैं, हमें कल्पवृक्ष का आह्वान करना चाहिए। हे वृक्षराज, कृपया सामने आइए। दोनों पक्ष एक एक करके अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। मैं किसी का भी चुनाव करूं पर आप दोनों की इच्छाएं अवश्य पूरी करूंगा, और इसी क्रम में मैं निश्चित भी कर लूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूं। वज्रांग, राहु, क्या सुझाव है तुम सबका? अग्नि, वायु, क्या मांगना चाहिए मुझे? प्रभु को केवल माता लक्ष्मी चाहिए, मुझे मेरी माँ की प्रसन्नता। शेष भैया, आप क्या मांगना चाहेंगे कल्पवृक्ष से? मेरे परम पिता परम प्रभु श्री विष्णु हैं, सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोल या सुरराज, क्या इच्छा है आपकी? विशाल, विराट, अंतहीन सेना, इतनी अधिक जितनी इस पूरे संसार में और किसी के पास ना हो। तथास्तु।
देवराज, शक्ति का पलड़ा तो पहले से ही इन असुरों की ओर झुका हुआ था। अब यदि ये अमृत संजीवनी विद्या की काट भी बन जाए तो इतनी विशाल सेना को पा लेने के बाद इन असुरों को हराना असंभव होगा। मेरा सुझाव है देवराज की कुछ ऐसा मांगिए जिसकी सहायता से इस असंख्य सेना को एक बार में ही मारा जा सके। बोलिए देवराज, क्या निर्णय किया आपने? असुर तो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। देवराज ऐसा क्या मांगेंगे जो इन्हें असुरों से भी अधिक शक्तिशाली बना सके? हे वृक्षराज, मुझे कुछ लेना नहीं, मुझे कुछ देना है आपको। कहीं देवराज इंद्र अपने अहंकार में पुनः कोई भूल ना कर बैठे और समुद्र मंथन सफल ना हो पाए। मेरी इच्छा ये है कि मेरा अभिमान, मेरा अहंकार मुझसे दूर हो जाए। वृक्षराज, तथास्तु। देवराज इंद्र ने भौतिक वस्तुएं ना मांगकर स्वयं के उत्थान के लिए अपने अभिमान का त्याग किया है, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। एक बार फिर से ये देवता जीत गए, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और जनरालों, न जाने कैसी दुर्गंध आ रही है, ऐसा लग रहा है मेरे तन में ही फंस गई है। माँ, यदि आज्ञा हो तो एक बात कहें। माँ, बस आप क्रोधित मत होइएगा। हमें ऐसा लगता है कि आप कि उन बूढ़े बाबा के साथ छल नहीं करना चाहिए था। अब तुम दोनों मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जितना बोला है उतना करो, चल डालो।
ये अद्भुत सुगंध और पायल की ध्वनि, ये माँ के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? ये स्त्रिया कौन है? रंभा, इस रंभा पर तो मेरा ही अधिकार होगा। सुंदरी, तुम्हारा आकर्षण तो अधिक है सुंदरी। आप क्या कर रहे हैं? अप्सराओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारी बारी भी आएगी, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तितिमा। पुत्र, क्या हुआ? चिंतित क्यों है? जो कष्ट मुझे हुआ था वही कष्ट अब महारानी को भी हो रहा है बाबा। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं बाबा, मैं तो सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मति इतनी भ्रष्ट कभी ना हो कि किसी और को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता मिले। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी इसके मन में कोई कड़वाहट नहीं है। कितना निर्मल मन है इसका, कितना शुद्ध। समय चाहता है कि अब परिवर्तन का शंख बज उठे। कल बहुत से प्राणियों की आशाओं पर हिमपात होगा, पर कुछ के जीवन के मरुस्थल में प्रसन्नता के फूल भी खिलेंगे। कल मुझसे भोर में मिलने आना विंदा। कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा क्या होगा कल? उत्तम, अति उत्तम। सुंदरी, विवाह कर लो मुझसे। तुमसे ही क्यों, मुझसे क्यों नहीं? पहले प्रस्ताव मैंने दिया है इसे, परंतु देखा ही नहीं, पहले मैंने था। समुद्र के हृदय से निकलते ही ये वज्रांग के हृदय में बस गई। प्रभु, स्त्रियों का तो सम्मान करना चाहिए। ये सब तो कितना अनुचित व्यवहार कर रहे हैं इन सबके साथ। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़। इससे जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। विवाह तो केवल मेरा होगा। राहू, बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। यदि अप्सराएं असुरों के पास चली गई
तो इन्हें न जाने कितने अपमान सहने होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि असुर अपनी कामना पर नियंत्रण रखे, अन्यथा ये मंथन पुनः शुरू नहीं हो पाएगा। ये अप्सराएं मन के भीतर छुपी कामना की प्रतीक हैं गरुड़, इसलिए जब तक उस कामना पर नियंत्रण नहीं होता तब तक ना तो ये विवाद सुलझेगा और ना ही देवी लक्ष्मी प्रकट होगी। तब तो प्रभु मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। परंतु इन सभी के लिए तुम केवल एक दास हो, ये तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे भैया, परंतु अपनी माँ की आज्ञा अवश्य मानेंगे। राता, विवाह तो केवल मेरा होगा। राहु, मेरी माँ उचित ही कहती है। क्या कहती तुम्हारी माँ? यही कि अंत समय वनप्रास में बिताना ही श्रेष्ठ होता है। अब आपके पुत्रों को संभालने वाली सुंदरी आ गई है दीदी माँ, अब ये आपका सुझाव कहाँ मानेंगे? इसीलिए उचित यही होगा कि आप वन में या पिताजी के आश्रम में जाकर तपस्या करें। गरुड़ ये क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? मैं तपस्या करने चली जाऊं ताकि ये देवता मेरे पुत्र को मूर्ख बना सके। राहु बड़ा मैं हूं, विवाह मैं ही करूंगा। अच्छा, तो ये अप्सराएं षड्यंत्र है मेरे पुत्रों के विरोध। लगता है तीर निशाने पे लग गया। लगता है गरुड़ की योजना सफल हो रही है। पुत्रों, कोई भी इन अप्सराओं के निकट नहीं जाएगा। देवता को लेने दो इन्हें, ये आदेश है मेरा। बागर, तुमने बिना कुछ किए ही अप्सराओं का निर्णय देवताओं की ओर करवा दिया। अद्भुत प्रकाश, ये मंद मंद चलने वाली पवन और प्रकृति में ये सुंदर बदलाव, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? इन सभी संकेतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब आएगा वो अमृत। बोर में मिलने आना विंता।
कल कुछ ऐसा होगा जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की होगी। बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा? और आज मेरा मन इतना अशांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? हे प्रभु, हे नारायण, मेरे साथ रहिएगा। कल्याण, तुम मुझे एक साधारण असहाय दीनहीन बूढ़ा रोगी समझकर अपने घर लाई थी, पर मैं वही दत्तात्रेय हूं जिसने अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, अजगर, समुद्र, मछली, हाथी, कुवारी कन्या, बालक, कूरर पक्षी, बान बनाने वाले, मधुमक्खी, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट जैसे 24 गुरुओं से शिक्षा लेकर अपना ज्ञान अर्जित किया है, और अब मैं इस जगत में मुक्त भाव से विचरण करता हूं। मैंने तुम्हारे धैर्य और श्रद्धा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए परखने चला आया। तूने मुझे तनिक भी निराश नहीं किया, पूरे मनोयोग से बिना किसी स्वार्थ के जिस तरह तूने मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं विंता। इसलिए अब मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं, मन में जो इच्छा है मांग ले। कुछ जैसे साधारण दासी को आपने अपनी सेवा का सौभाग्य दिया, बिना मांगे सब कुछ मिल गया है मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तूने मेरी सेवा निस्वार्थ भाव से तो की ही, किंतु अब मेरे दर्शन पाने के बाद भी तेरे मन में लोभ नहीं जाग रहा, तेरे मस्तिष्क में किसी अभिलाषा का विचार तक नहीं आया, और इसलिए अब मैं तेरी झोली में वो सब डालूंगा पूरी तरह सुपात्र होने के पश्चात भी जिसके लिए तू वर्षों तक तरसी है। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। आपके कहने का अर्थ है आज से मेरा पुत्र और मैं मुक्त हो जाएंगे? नहीं, जिस प्रकार एक काली घनी लंबी रात्रि के पश्चात सर्वप्रथम आकाश में तुम्हारे पुत्र अरुण की लालिमा छाती है और उसके बाद ही धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा अच्छा समय आरंभ हो गया विंता, और धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे, और फिर समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। कल्याण,
बाबा के आशीर्वाद के प्रयास में इतना श्रम करना पड़ेगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। दीदी 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 धीरे बोल, पहले से मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। क्या हुआ है, क्यों आई है तू यहाँ? दीदी वो बाबा वो कोई साधारण बाबा नहीं है, वो भगवान दत्तात्रेय है दीदी। क्या क्या कहा तूने? ये सत्य है दीदी, हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए दीदी। संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। नहीं, नहीं है संभव। दर्शन भी नहीं दिया भगवान ने, न जाने क्यों ये खुशबू मुझे अमृत की नहीं लग रही, ये सुगंध तो माता लक्ष्मी के आंचल की है। सही पहचाना करो, तो क्या अब मां लक्ष्मी प्रकट होने वाली है? मन तो मेरा भी यही कह रहा है भैया, तो सटीक अनुमान लगाना भी तो संभव नहीं है। प्रभु आपको क्या लग स्वामी, हमारे इस विरह की अवधि हमारी पुनर्मिलन की प्रतीक्षा समझकर बिताइएगा। अभी हमें जाना होगा प्रभु। Oh,
लक्ष्मी। आठ दल वाला कमल, इस पर तो माता लक्ष्मी विराजती है ना? हाँ गुरु। और देखो उस कमल के आगे दो हाथी भी चल रहे हैं। वो देखिए ऊपर आकाश में। देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू। माँ के आगमन के सभी संकेत स्पष्ट हो चुके हैं प्रभु, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अपनी आंखें खोलिए प्रभु, माँ का साक्षात्कार कीजिए। ये संभव नहीं है शेष। प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? माता लक्ष्मी से मिलने के लिए आप इतने व्याकुल थे और अब जब वो पल आ गया तो आप आंखें खोलकर उन्हें क्यों नहीं देख रहे हैं? मैं इतना प्रसन्न, इतना उत्साहित हूं कि मुझे भय लग रहा है गुरु कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण ही ना रख पाऊं। सैकड़ों बार इस पुनर्मिलन के क्षण की कल्पना की है मैंने, किंतु मैं भी नहीं जानता कि जब हम दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसे देखेंगी वो मुझे, किस नाम से पुकारेंगे। बस यही सोचकर मेरे हृदय की गति बढ़ती जा रही। लक्ष्मी, सुमनत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए, मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते, पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय मां। इतने समय के बाद भी केवल लक्ष्मी ही है जो मुझे इस तरह चौंका सकती है। कलि कल्मश नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये, क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते, मंगलदायनी अम्बुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते, जय जय है मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय मां। माता लक्ष्मी शिशु रूप में वापस आई है। जय वर वर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमय, सुरगण पूजित शीघ्र फल प्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते। देवी अदिति, देवी दिति, देखिए माँ के शिशु चरणों में सभी शुभ चिन्ह विद्यमान है।
मन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय मां। जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्व फल प्रद शास्त्रमय रद गज दुर्ग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हर हर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते। जय जय हे मधुसूदन कामिनी गज लक्ष्मी रूपेण पालय मां। अद्भुत लक्ष्मी, अद्भुत है आपकी लीला। प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, माता लक्ष्मी ने शिशु रूप में दर्शन क्यों दिए? क्योंकि ये भी हमारा ही बनाया नियम है। तुम तो जानते हो गरुड़ कि आत्मा अजर अमर होती, ना उसका जन्म होता और ना ही मरण। आत्मा जब एक नए तन को धारण करती है तो उसकी नई यात्रा का आरंभ बाल्यावस्था से ही होता। इसलिए देवी लक्ष्मी ने समुद्र देव के पुत्री के रूप में अपनी नई यात्रा का आरंभ बाल रूप से ही किया। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि स्वयं मां लक्ष्मी मेरी पुत्री बनी। हमें भी अपने इस सखी के दिव्य रूप के दर्शन करने हैं। मां ने इस रूप में आकर चमत्कार कर दिया प्रभु। इनके कारण मां पार्वती और मां सरस्वती के दर्शन भी हो गए और यहां का वातावरण और भी अधिक पवित्र हो गया। वो देखो गरुड़, ऋषिगण भी आ गए हैं। अब आप अपने मूल स्वरूप में आने की कृपा करें। ऐसा तेज सिर्फ लक्ष्मी के आगमन पर ही हो सकता है। मां लक्ष्मी की, 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 मां लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी की, 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 माता लक्ष्मी की। Thank you.
लक्ष्मी। इस क्षण की प्रतीक्षा में हर पहर युगों की तरह बीतता है। नारायण नारायण, इसीलिए तो ये जोड़ी सृष्टि की सर्वोत्तम जोड़ी कहलाती है। माँ की लीला में प्रभु कब भागीदार बन गए पता ही नहीं चला। नारायण नारायण। भैया, नारद मुनि ने बिल्कुल सत्य कहा। जब से मैं वैकुंठ आया हूँ, मुझे यही लगता था कि सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है। आज इन दोनों को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अब समझ आया कि वो कमी किस बात की थी। माँ के दर्शन मैंने पहले भी किए थे और तब वो उदासी थी। मुस्कुराते तो प्रभु भी थे, परंतु इनकी मुस्कुराहट की चमक इनकी आंखों में नहीं दिखती थी। और आज भले ही प्रभु और माँ लक्ष्मी मिल नहीं पाए, परंतु इनके एक साथ एक स्थान पर होने से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे सारे संसार की प्रसन्नता लौट आई है। माँ, जब आपने ये पूरी लीला रची ही है, हम सबको इसका भागीदार बनाया ही है, तो अब हमें आप इसका पूर्ण आनंद लेने दीजिए। क्या चाहते हैं आप सब? हम सब आपका अभिषेक करना चाहते हैं माँ। अभिषेक? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। ऐसा अवसर कई वर्षों में एक बार ही आता है देवी। आज्ञा दे दीजिए। भक्तों की इच्छा तो मां ने सदैव ही पूर्ण की है। मुझे विश्वास है आज भी आप इन्हें निराश नहीं करेंगे। ये मेरी माँ के सुकर्मों का ही फल है कि मैं इतने सौभाग्यशाली क्षणों का साक्षी बन पा रहा हूँ। बस माँ और विमाता भी यहाँ उपस्थित होते तो उन्हें भी नारायण और लक्ष्मी माँ के मिलन देखने का सौभाग्य प्राप्त होता। क्यों, क्यों, क्यों? क्यों, क्यों? मेरे ससुरा क्यों ऐसा होता? क्यों? क्यों सब पक्षपात करते हैं मेरे साथ? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? दर्शन भले ही ना हुए हो, पर उनकी सेवा करने का सौभाग्य तो आपको भी मिला है ना? सौभाग्य? जो मुझे मिला है दीदी, उसे सौभाग्य कहती है तो सौभाग्य ही सही। तूने क्या मांगा उनसे? हाँ, चुप क्यों बोलती क्यों नहीं? इस बार तूने क्या वरदान मांगा अपने पुत्र के लिए? बोल ना। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे ये बात दीदी को बतानी चाहिए या नहीं?
उन्नत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममय मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय है मधुसूदन कामिनी। ये देवियां कौन है? ये सभी पवित्र नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी। हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फल प्रद हस्त युते जय जय है मधुसूदन कामिनी विद्या लक्ष्मी सदा पालय मां। धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी दुंधुभी नाद सुपूर्णमय घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय है मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालय मां। कितनी अनजान बन रही हैं लक्ष्मी, मेरी ओर देख तक नहीं रहे हैं और फिर भी दूर से ही उन्होंने मेरे चरण पखार दिए। माता लक्ष्मी पर पत्तों और फूलों की वर्षा। देवी लक्ष्मी नए जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए भूमि देवी ने अपना उपहार समर्पित कर रही है। क्या ऑर्डर मांगा तूने उनसे? बोलना। मैं असत्य नहीं कह सकती, पर यदि मैंने दीदी को बता दिया कि मेरे बिना मांगे ही भगवान दत्तात्रेय ने मुझे और मेरे पुत्र को दासता से मुक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है तो ये सह नहीं पाएंगी। क्या करूं मैं? मौन रहने से मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देती तू यहां से नहीं जाएगी। बोल ना बिंता, क्या मांगा तूने इस मामा से? मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, जो मिला है बिना मांगे ही मिला है। कुछ नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। कुछ नहीं? ये कैसे संभव हो सकता है? झूठ बोल रही है ना तू? मैं झूठ नहीं बोलती दीदी, मेरे लिए तो बस इतना ही पर्याप्त था कि मुझे उनके दर्शन मिल गए। मैं इतनी भावुक हो गई थी कि ना मैं कुछ सोच पाई ना कुछ मांग पाई। पर उन्होंने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए? तुझसे कमी सही, सेवा तो मैंने भी की थी ना, मुझे कुछ भी दिए बिना कैसे जा सकते हैं वो? उन्होंने दिया है दीदी, भगवान दत्तात्रेय ने आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? का दान करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। माता लक्ष्मी के आने की खुशी में ये मेघराज कितना मोहक नृत्य कर रहे हैं। हे माँ, ये समस्त संसार आपके हाथों की कठपुतली ही तो है, आपकी ही कृपा से सभी देवताओं को पद और प्रतिष्ठा मिलती है।
आप सृष्टि के पालनहार हैं मां, आप तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हैं। फिर भी आपने मेरी पुत्री बनकर जो मुझे असीम गौरव प्रदान किया है उसके लिए मैं धन्य हो गया मां। पीले वस्त्रों में मां को देखकर ऐसा लग रहा है कि मां प्रभु के रंग में ही रंग गई है। ये भोग का प्रतीक है मां, और ये अभिज्ञान का प्रतीक है। इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। ये कभी न मुरझाने वाली माला है, इसे स्वीकार कीजिए। अपने सेवक बसंत की ओर से यह शहद स्वीकार करें मां। विश्वकर्मा होने के नाते मैं आपके लिए आभूषणों का निर्माण करना चाहता हूं मां, आज्ञा दीजिए। अपनी सखी की ओर से ये मोतियों की माला स्वीकार कीजिए देवी। ये अक्षय कमल है जो कभी नहीं मुरझाएगा, इसे स्वीकार कर इसके अस्तित्व को सार्थक करें देवी। माँ, मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। आपकी कांति संपूर्ण जगत में सदैव व्याप्त रहे। जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़े उसके सभी कष्ट सभी दुख सहज ही मिट जाएं, और आपके भक्तों पर समृद्धि की अनंत वर्षा होती रहे। दरिद्रता उन्हें कभी छू भी न पाए। अद्भुत देवी, अद्भुत। सौभाग्य का प्रतीक है ये कुमकुम, इसे स्वीकार करें मां। जय मां लक्ष्मी की, माता 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 लक्ष्मी की। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ नहीं है माँ, इसलिए मैं कुछ देने नहीं मांगने आया हूँ। अब प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा का अंत करें।
सत वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी है ममाए मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय है मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी परिपालय माम। ऐकलि कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम। माँ, आपने मुझ पर दृष्टिपात करके बहुत अधिक सुख दिया है मुझे। यहां सभी ने आपको कुछ ना कुछ अर्पित किया है, परंतु मैं तो साधारण दास हूं। मैं आपको क्या अर्पित करूं माँ, क्या भेंट दूं मैं आपको? देवी लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति और सेवा से इतनी प्रसन्न कि उन्हें अभी किसी भी उपहार की आवश्यकता नहीं है। करो, जब कोई पिता अपनी पुत्री को इस रूप में देखता है तो कितनी ही भावनाएं एक साथ उभरती हैं। इसकी था पाना भी असंभव है। पुत्री के बड़े हो जाने की प्रसन्नता से पिता का मन मयूर नृत्य कर रहा होता है, पर साथ ही साथ उसके बिछड़ जाने के दुख से भावुक भी हो जाता है। प्रत्येक पिता की एक इच्छा और कर्तव्य भी है कि वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर ढूंढे। इस समय आप भले ही मेरे सामने एक पुत्री के रूप में हैं, पर ये मैं कैसे भूल जाऊं कि आप त्रिलोक की स्वामिनी हैं, संपूर्ण सृष्टि की माता हैं आप। इसलिए आपके योग्य जीवन साथी का चुनाव करने में मैं असमर्थ हूं। हे सर्वगुण संपन्न देवी, कृपया अपने योग्य वर का चुनाव स्वयं करें। चुनाव? कैसा चुनाव? इस संपूर्ण जगत में माता लक्ष्मी के स्वामी प्रभु विष्णु के अतिरिक्त और कौन हो सकता है भला? और गरुड़ ने उचित ही कहा है देवी। वैसे तो आपके वल्लभ परम ब्रह्म सृष्टि के पालनहार श्री हरि के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपना वर चुने। उत्तम सुझाव है देवी। पिता की आज्ञा का पालन करना संतान का धर्म भी होता है। स्वयंवर आरंभ करें।
जब माँ लक्ष्मी प्रभु विष्णु के लिए बनी है तो ये स्वयंवर क्यों? प्रभु आप ये कैसे होने दे सकते हैं? कैसा संदेश? बता मुझे। उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई थी, वो कथा मैं आपको बिल्कुल वैसे ही सुनाने का प्रयास करूंगी जिस तरह से उन्होंने कही थी। एक बार एक राजा ने घोषणा करवाई कि उसके पूरे राज्य में केवल पालक ही उगाई जाएगी, उसी का क्रय विक्रय होगा और सारी प्रजा केवल पालक ही खाएगी, न कोई और अन्न न किसी और प्रकार की तरकारी का पूरे राज्य में प्रयोग किया जाएगा। यदि कोई राजा के इस आदेश का उल्लंघन करता तो राजा उसे कोड़ों से पीटने का दंड देता या कभी कभी उसके प्राण ले लेता। फिर एक दिन एक महान साधु इस राज्य में आए और राजा ने उनसे आशीर्वाद पाने के लोभ में उन्हें वो पालक भेंट कर दी। साधु बाबा ने वो पालक राजा के सामने फेंक कर कहा, मैं तेरे भूत भविष्य के कर्मों के बारे में सब जानता हूँ और तेरे इस पालक प्रेम को तुझसे भी अधिक पहचानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक निर्धन किसान था जो अपनी झोपड़ी के पीछे की क्यारी में पालक उगाता था और अपने परिवार का पेट भरने के बाद शेष बची पालक को गाँव के सभी लोगों में बांट देता था। किसान के रूप में तुम्हें पुण्य अर्जित किया था जिसके कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला और पिछले जन्म की वो स्मृति आज भी कहीं तेरे भीतर जीवित है। इसके कारण तू ये पालक का वितरण नहीं कर रहा बल्कि इसके लिए कर रहा है क्योंकि अब तू चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। जब तक सेवा बिना किसी स्वार्थ की जाए तब तक ही वो सेवा कहलाती है, पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है और स्वांग रचने वालों को न तो आशीर्वाद मिलता है ना ही वरदान। पर किसी परिणाम या पारिश्रमिक के लोभ में की गई सेवा सेवा नहीं स्वांग होता है। बिल्कुल सही कहा भगवान दत्तात्रेय ने। हाँ तो तुम माँ ने गुरु दत्तात्रेय की सेवा आशीर्वाद पाने के लोभ में की थी, वो भी स्वयं पूरी नहीं की थी, भगवान दत्तात्रेय से छल करके माता विनता से करवाई थी। ये सत्य नहीं हो सकता, ये तेरे मस्तिष्क की कल्पना है। भगवान दत्तात्रेय का नाम लेकर के तू मनगढ़ंत कथाएं सुना रही है मुझे। दीदी क्या आप मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती? आप जानती हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। झूठ बोल रही है तुम। किया भगवान दत्तात्रेय ने, माँ के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। हाँ तब तो विमाता विनता सही थी, फिर भी माँ ने उन्हें दोषी ठहराया, इसीलिए उनके चेहरे पर एक काला चिन्ह आ गया। अब बहुत हो गया धूमल, माँ को उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना ही चाहिए। प्रभु भला माँ को स्वयंवर की क्या आवश्यकता है? मैंने स्वयं इन्हें विरह की अग्नि में जलते देखा है, हर पल इन्होंने केवल आप ही को प्रेम किया है, तो फिर ये सब क्यों प्रभु? आप दोनों के मिलन में इतना विलंब क्यों? विवाह हर कन्या का स्वप्न होता है गर्व, और आयु के साथ साथ ये स्वप्न भी बड़ा होता जाता है। नारी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है विवाह, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंध होता है पति के साथ उसका संबंध। अपने पुरुष अपने प्रेमी के साथ प्रथम भेंट से बहुत पहले से हर युवती उसके स्वप्न देखने लगती है, अपनी आशाएं अपनी अपेक्षाएं संजोने लगती है। देवी लक्ष्मी भी किसी सामान्य कन्या की तरह अपने स्वप्न पुरुष के साथ अपना जीवन बिताना चाहती है।
और ये इनका अधिकार है। चुनाव का ये अधिकार मैं तो क्या कोई भी पुरुष किसी स्त्री से छीन नहीं सकता, किंतु हां इन्हें प्रेम करने के नाते मैं ये आशा कर सकता हूं कि चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए पर अंत में लक्ष्मी विष्णु को ही चुनेंगे। हे मां, ये कैसी लीला है आपकी? इतने समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अब और विलंब। इस बीच कोई और समस्या उत्पन्न हो गई तो? यदि लक्ष्मी जी ने मुझे वर चुना तो मेरा पद सर्वोपरि हो सकता है। लक्ष्मी जी के लिए योग्य स्थान स्वर्ग ही है, वो मुझे ही चुनेंगी। सभी देवता और असुरों की आंखों में ये कैसी विचित्र इच्छा देख रहा हूं। ये देवराज इंद्र हैं पुत्री, असीमित ऊर्जा की स्रोत, खगोलीय विद्युत्य, भयानक आंधियों के स्वामी। ये वीर अवश्य है पिताजी, पर इनमें असुरक्षा की भावना प्रबल है। ये सूर्यदेव है पुत्री, इनका प्रकाश सारे जगत को जीवन देता है। इनमें प्रकाश तो अवश्य है पिताजी, पर ताप भी असहनीय है। आपने उचित कहा दी। मां की लीला भी अद्भुत है। अब इन सभी के गुण और अवगुण दोनों ही अपने आप सामने आ जाएंगे। नारायण नारायण। कोई भी अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास तभी कर सकता है जब उन्हें अपने अवगुणों का ज्ञान हो जाए। धन्य है मां, धन्य है आप। मन की भावना गुणों और अवगुणों से परे होती है भैया। प्रभु के बारे में सोचिए, ये सब देखना इनके लिए आसान नहीं होगा। इनकी प्रिया इनकी आंखों के सामने अन्य सभी में अपना वर खोज रही है, ये पीड़ा को सहन करना और फिर भी मौन रहना प्रभु के लिए सरल नहीं है भैया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि प्रभु में इतना संयम कैसे है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भैया। मन तो यही कहता है कि कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, परंतु जब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो जाता मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये अग्निदेव है पुत्री, प्रकाश और ताप दोनों सूर्य से कम है, किंतु अगर ये चाहे तो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल सकते हैं। और यदि ये नियंत्रण से बाहर हो जाए तो ये सबको भस्म भी कर सकते हैं। ये वायुदेव हैं पुत्री, ये बहुत चंचल, स्वयं एक स्थान पर टिक कर रह ही नहीं सकते। यदि मैं इनके साथ हमेशा चलती रही तो इस जगत का कल्याण कभी नहीं कर पाऊंगी। इनसे मिलिए पुत्री, ये हैं वरुण देव। इनके व्यक्तित्व में तरलता इतनी अधिक है कि ये बार बार अपने आकार बदलते, और जो स्वयं अपना आकार इतनी बार बदले उनके साथ मैं स्थिर कैसे रह सकती हूँ। ये यमराज है, यमलोक के स्वामी है, और कर्तव्यनिष्ठ भी। इनमें दया और करुणा का अभाव है पिताजी। लक्ष्मी इन देवताओं की नहीं हुई अर्थात हम असुरों की होगी।
पुत्री, इन सभी देवताओं में से कोई भी आपका हृदय नहीं जीत पाया है। आप चाहें तो नागों में से किसी एक का चुनाव कर सकती हैं। मैं अभी उनका प्रबंध कर सकता हूं। लक्ष्मी नागों की नहीं हो सकती। क्षमा कीजिए पिताजी, नाग तो सदैव ही अपनी माता से भयभीत रहे, इतने अधिक भयभीत कि उनके प्रवृत्ति से भय निकालना असंभव है। और जो स्वयं इतने भयभीत है, उनके साथ में सुरक्षित होने का आभास कैसे कर सकती। बहुत अभिमान है ना कुत्रों को अपने पुत्रों पर। यदि वो ये सुन लेती तो कितना आनंद आता। उसे होना चाहिए था यहाँ। पता नहीं क्या कर रही है वो पृथ्वी पर। हमारे स्वामी प्रभु विष्णु की प्रतिमा को नहीं, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं दीदी। संभव नहीं। ये आप क्या कर रही है माँ? संभालिए स्वयं को। ऐसे दुखी होने से क्या होगा माँ? यदि आप मन ही मन घुटती रहेंगी तो हम आपकी सहायता कैसे करेंगे? आप बात बताइए माँ। फिर से वही सब हो रहा है तक्षकालिया। एक बार फिर से मेरे साथ अन्याय हो रहा, और अब ये मैं सह नहीं सकती, नहीं सह सकती। कितनी प्रसन्न है वो आज। अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपा रही है। इसकी पहले की बहुत देर हो जाए। मुझे जानना होगा कि वो भेद क्या है। इस दौर उसने मुझसे कोई भी चालाकी की तो उसकी ऐसी दशा करूंगी कि प्रभु नारायण भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे। हाँ, ये आपके मुंह पे काले धब्बे कैसे आ गए? दत्तात्रेय का वचन तो सत्य हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था तक तो हमारी माँ के आंखों में आंसू है और विंता माँ के स्वर में सुख। हाँ, इसका अर्थ तो यह है कि विंता माँ और गरुड़ शीघ्र ही दासता से मुक्त हो जाएंगे। लक्ष्मी माँ तो सभी में कोई ना कोई अवगुण खोज रही है। ये तो स्वाभाविक है शेष। जो सर्वगुण संपन्न, वो किसी अवगुण से युक्त पुरुष के साथ जीवन निर्वाह कैसे कर सकती? पर इनकी यही विशेषता मुझे भयभीत भी कर रही है। यदि इन्होंने मुझ में ही कोई अवगुण खोज निकाला तो जब से आपने समाधि ली थी
उस दिन से संसार श्रीहीन हो गया था। आपने देवताओं पर तो कल्याण कर दिया, कृपया आप इस संसार पर भी दृष्टिपात कीजिए, सबका कल्याण कीजिए मां। विष्णु जी को लक्ष्मी और वासुकी को भगवान शिव मिल गए और देवताओं को उनका वैभव वापस मिला और हम असुरों को एक टूक भी नहीं देखा। मां, इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके मुख पर अभी उदासी छाई है। मैं जानती हूं पुत्र, पर मेरी दृष्टि इतनी आसानी से किसी पर नहीं पड़ती। इस संसार में कई स्थान ऐसे हैं जो मुझे अप्रिय है। अब तुमने पूछा ही है तो सुनो, मैं वहां कभी नहीं जाती जहां गुरुजनों, माता पिता और किसी भी बड़े का अपमान हो रहा। नारद मुनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में से एक हैं। इनके शब्दों के प्रभाव में मत आइए। और जहां दूसरों की धन संपत्ति, मान अधिकार, भूमि आदि को हड़प लिया जाता है, और यहां तक कि दूसरों को भूखा देखकर अपने घर में धन और अनाज भरते, उनके घर आज तक न मैं गई हूं और न भविष्य में मैं कभी जाऊंगी। सर्वगुण संपन्न मां लक्ष्मी की जय। सर्वगुण संपन्न मां लक्ष्मी की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। सर्वश्रेष्ठ परम पिता श्री हरि विष्णु की जय। चलो, अब सब कुछ संपन्न हो गया, मंथन आरंभ करें। नहीं, अभी मंथन नहीं हो सकता। अभी केवल स्वयंवर हुआ है, पाणि ग्रहण नहीं। और जब तक पूरे विधि विधान से पाणि ग्रहण नहीं हो जाता, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का यह मिलन तो अधूरा है। क्यों समुद्रदेव, अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं करेंगे? मुनिवर, आप बताइए, आप इस समस्त संसार को इस परम कल्याणकारी विवाह का निमंत्रण नहीं देना चाहते? हां मुनिवर, यहां उपस्थित सभी माताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी सखी का अभिषेक करने में आप सभी को इतना आनंद आया था, तो क्या मंगल स्नान के अलौकिक सुख का अनुभव नहीं करेंगे आप सब? जब से विष्णु से मिला है कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, बस एक बार अमृत मिल जाए तो ये इसके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। बस बस गर्व, तुमने तो सारा कार्यक्रम अभी से निश्चित कर दिया। कैसे नहीं करता प्रभु, इस विवाह का स्वप्न केवल आप दोनों ने ही नहीं देखा, आप दोनों की विरह की पीड़ा और मिलन की प्रतीक्षा का अनुभव आपके भक्तों ने भी किया है। प्रतिपल प्रतिदिन, और मेरी मां ने तो प्रार्थना भी की थी, आज उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई है तो उत्सव तो होना ही चाहिए। क्या कहते हैं आप सब, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा पुत्र। सत्य वचन, आप दोनों के विवाह से
संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। कृपया मुझे इस विवाह के आयोजन की अनुमति दें। मैं देवी लक्ष्मी को उनकी नगरी ले जाऊंगा और आपको बारात लेकर वहीं आना होगा प्रभु। इस विवाह में सभी विष्णु भक्त सम्मिलित होंगे और मेरी माँ भी। इससे बड़ी सुख की बात उनके लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। क्या हो रहा है ये सब? यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर मंथन नहीं करेंगे। राहु, जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? कोरी धमकियों से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा राहु। अमृत का आना अभी शेष है। सत्य कहा देवराज, अमृत प्रकट होना शेष है अभी। इसलिए आप सब एक दास के कहने पर अपना लक्ष्य भूलने के लिए तैयार हैं। मंथन रोककर विवाह का आयोजन कर रहे हैं आप। परंतु इस विवाह से तो सबका कल्याण होगा पुत्र। क्षमा कीजिएगा विमाता दीदी, पर मुझे संदेह है मंथन से भी अभी तक असुरों का कोई कल्याण नहीं हुआ है। पहले से हम वासुकी के मुख की ओर हैं और इसीलिए भीषण दास सहने पर विवश है। साथ ही अलाहल और अलक्ष्मी जैसे महासंकटों का सामना करने के कारण हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है। और ये तो आप जानते हैं विमाता, देवी लक्ष्मी ने हमें एक दृष्टि भर करके देखा तक नहीं। ऐसे में उच्च श्रेवा के अतिरिक्त हमें इस मंथन से मिला ही क्या है? मिला भले ही ना हो असुरराज, पर मिलने वाला तो है। वो तो तब मिलेगा मुनिवर, जब मंथन होगा। और यहां तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यदि ये विवाह हुआ तो हम असुर ना ही विवाह में भाग लेंगे और ना ही मंथन में। यदि असुरों ने समुद्र मंथन करने से मना कर दिया तो मेरे पुत्रों को कभी भी स्वर्ग और उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाएगी। असुर चाहते हैं कि पहले मंथन फिर विवाह, बस यही कहना चाहता है राम। नहीं महाराज, राजनीति के घुमावदार दांव पेच नहीं, स्पष्ट शब्दों की तीव्र धार वाली कठार दिखाने का समय है ये। अब हम असुर और तिरस्कार सहन नहीं करेंगे। पहले ये देवता स्वयं चलकर आए थे हमारे पास संधि करने, पर अब हमारी किसी भी इच्छा का सम्मान नहीं हो रहा। सब कुछ बस विष्णु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये तो सदैव से ही देवताओं का समर्थन करते आ रहे हैं, पर अब बहुत हुआ। अब या तो पहले अमृत निकलेगा या फिर हम असुर इस मंथन को यही समाप्त कर देंगे। कर दो समाप्त। चाहो तो इस मंथन को इसी क्षण रोक दो और वापस लौट जाओ। परंतु प्रभु, असुर चले गए तो मंथन कैसे होगा? यदि असुरों को सच में ऐसा लगता है कि उन्हें अमृत की आवश्यकता नहीं, और वो भी तब जब देवताओं को उनकी श्री और शक्ति मिल चुकी, तो असुर ये मंथन छोड़ के अवश्य जा सकते हैं।
इन देवताओं का आत्मविश्वास चरम पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से हमारे साथ कोई छल हो रहा हो। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने के कारण अब ये देवता समर्थ बन चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम असुर क्रोध में मंथन छोड़कर चले जाएं और ये देवता मंथन का अंतिम चरण अकेले पूरा करके सारा अमृत स्वयं ले लें। वैसे भी गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानकर हमने उन्हें रुष्ट कर दिया है। पता नहीं हमें संजीवनी विद्या का लाभ फिर से मिलेगा या नहीं। जब कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार ना हो तो खिन्न होना स्वाभाविक है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि मसूर अपने वचन से पलट जाएंगे। पर महाराज, यदि आप सब चाहते हैं कि पहले विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह, तो हम आपकी इच्छा का सम्मान करेंगे। विवाह पूर्ण होने तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तब तक हमें विश्राम करने का अवसर भी मिल जाएगा। वैसे भी वासुकी के मुख की ओर होने के कारण हमें विश्राम की आवश्यकता भी है। तो फिर निश्चित हुआ, पहले विवाह होगा और फिर मंथन आरंभ होगा। नारायण नारायण। इन असुरों का मस्तिष्क सदैव विपरीत दिशा में ही चलता है क्या? जो कार्य बोलो उसके विपरीत ही करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये जानने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर सकता हूं। प्रिय, अभी अभी तो लौट कर आई, अब फिर से विरह। हमारा मिलन स्थायी हो पाए इसके लिए छोटा सा विरह आवश्यक है। प्रभु देखना, इस बार मैं जब वापस लौटूंगी ना, फिर कभी आपसे दूर नहीं होंगी। दावा नलसा विरह भयंकर, दोनों को तड़पाए। विलंब मिलन में आवश्यक है, पर हृदय का ताप बढ़ाए। जानती हूं कितना कठिन है फिर से एक दूसरे से दूर जाना, पर जितनी शीघ्र आप पिता के नगर पहुंचेंगी उतनी ही शीघ्र विवाह की तैयारियां आरंभ होगी, और उतनी ही शीघ्र आप अपने पति के घर वापस आएंगे। तो अब और विलंब ना करें देवी, चलें। देवी, इतनी सारी अड़चनों के बाद तो हम दोनों मिले हैं, अब मैं आपको अपनी दृष्टि से एक क्षण भी दूर नहीं कर पाऊंगा। कष्टदायक तो मेरे लिए भी है प्रभु, किंतु हमें एक होने के लिए थोड़े समय का विरह सहना होगा। नमस्ते ब्रह्मचारी। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। नहीं प्रभु, ये क्या कर रहे आप? ऐसे मत झुकिए। पर बिना झुके पहनाऊंगा कैसे? आप मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं पहन लूंगी। ये तो संभव ही नहीं है देवी। जो प्रिय के प्रेम का प्रतीक हो उसे प्रेमी के हाथों से ही धारण किया जाता है। पर मैं आपको झुकने दूं? ये तो असंभव है प्रभु। क्षमा कीजिए प्रभु। परंतु मेरे पास एक समाधान है। विष्णु काज में लाज, सखी की हिचक को आड़े मत आने दीजिए भैया, पहना दीजिए अपनी प्रिया को पायल। ऐसा अवसर कभी कभी ही आता है पुत्री, इसका लाभ उठाने से चूको मत। पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए, पहना दीजिए प्रभु, पहना ही दीजिए। धीमे धीमे धिन धीमे धिन धीमे धिन धीमे दुंधु भी नाद सुपूर्ण मै घुम 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 शंख निनाद सुवाघनुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन लक्ष्मी रूपेणा पालयमा श्लो अष्ट लक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरद काम विष्णु वक्षः स्थलारूढे भक्त मोक्ष प्रदायिनी। माँ के पद छिन्नने वाला ये पात्र स्मृति चिन्ह के रूप में सदैव अपने पास रखूंगा। माँ आज्ञा है ना? सखी
कितना अटूट प्रेम है इनमें, ये जानते हुए भी कि ये बिछो पुनर्मिलन के लिए ही है, इन दोनों के मन में कितनी पीड़ा उमड़ रही है। मैं तो कहता हूँ हमें इस विवाह का बहिष्कार करना चाहिए माँ। वैसे भी ये विष्णु सदैव हम असुरों के शत्रु रहे हैं और हम इनके विवाह में सम्मिलित हों, असंभव है ये।